बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सो यार फ्री भी था तो मैंने कहा कि चलो कुछ अपना आइडिया आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। हुआ कुछ यूँ था कि मेरे दोस्त ने मुझे मैसेज किया कि यार मैं यूट्यूब पे आना चाहता हूँ, तो मैंने कहा कि यार बेशक आ जाओ। उसके पास स्किल क्या था, वो एडिटिंग बहुत अच्छी तरह से कर सकता है ना, मतलब उसका पूरा कमांड है फोटोशॉप पे। तो मैंने कहा किस चीज़ की ट्यूटोरियल स्टार्ट कर लो, आप बिल्कुल शायद निकल जाओ। वो यही मुझे कह रहा है कि यार फलाना क्या कहेगा, ढिंगाना क्या कहेगा, मतलब एक टेंशन में होता है कि ये क्या कहेगा वो क्या कहेगा। सही है, तो सबसे पहले मैं इस वीडियो के ज़रिए उसको भी एक मैसेज देना चाहता हूँ और आप व्यूअर्स को भी कि कोई कुछ नहीं कहता। ये हमारे सिर्फ एक जहन में एक वहम होता है कि यार वो क्या कहेगा ये क्या कहेगा, सो कोई कुछ नहीं कहेगा। देखिए मैं जब आया यहाँ पे तो मैं भी ये सोच रहा था कि लोग क्या कहेंगे, लोगों ने कुछ नहीं कहा। और जिस दिन आप लोगों को कोई कुछ कहे तो बेशक आप कमेंट कर ले कि यार हमजा मुझे इसने ये कहा है, तो लोग कुछ भी नहीं कहते। बस हमारा एक वहम होता है, हमारे मुआशरे में ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा आम है ना कि हम दूसरों को मतलब सुनाते बहुत आसानी से, दूसरों को मतलब नेगेटिविटीज़ देखना हमारा बहुत मतलब आम है। हमें कोई भी आपको अप्रिशिएट नहीं करेगा, ये मैं पहले से बता दूँ, 85-90% लोग आपको अप्रिशिएट नहीं करेंगे। सही है, वो 15% जो रह गए वो शायद 5% वो शायद आपको कर ले, शायद वो भी चांस है। सही है, तो यही मसला है कि यहाँ पे किसी किस्म की अप्रिशिएट मतलब ये आप इसमें ना रहे कि मुझे कोई अप्रिशिएट करेगा इस बात पे। सही है, तो अगर आप आना चाहते हैं बेशक आ जाए, अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं यही कहूँगा कि अच्छा प्लेटफॉर्म है, देखिए बहुत कुछ आप सीख सकते हैं इससे। सही है, मैं जब यहाँ पे आया मुझे YouTube के बारे में कोई इल्म नहीं था, आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह YouTube की जितनी भी पॉलिसी है तकरीबन मुझे पता चल गया। अब कहाँ से चल गया यार, जितने मसले मैंने फेस की उसकी सोल्यूशन निकालते मैं हर एक उसका मुझे आंसर मिल गया ना कि मतलब ये इसका काम क्या होता है ये क्या होता है, तो बहुत सी चीज़ें मैंने सीख भी ली। आपको भी यही रिकमेंड कर लूँगा कि यार अगर आप आना चाहते हो तो ये ना देखो कि वो क्या कह रहा है ये क्या कह रहा है, इसमें ना रहे तो आपके लिए अच्छा होगा। सही है, स्टार्ट से बता रहा हूँ। देखिए ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि यार YouTube पे पैसों के लिए मत आओ, मैं कह रहा हूँ किसी ऐसी चीज़ के लिए आओ जिसमें आप उस चीज़ के लिए आपका दिल की ख्वाहिश कम ना हो ज़्यादा हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल पैसों की एक ऐसी चीज़ है जो कि मतलब इंसान के पास जितनी भी ज़्यादा हो ना वो कह रहा है कि यार इससे ज़्यादा हो। सही है, तो अगर आप पैसों के लिए आ रहे हो अच्छी बात है, आ जाओ। आप पहले महीने जब आपका आप पहले महीने की जो पैसे निकालेंगे वो तकरीबन 12,000 होंगे। सही है, तो अब देखिए दूसरे महीने आप उससे ज़्यादा मतलब स्ट्रगल करेंगे कि मैं इससे ज़्यादा निकालूं पैसे, तो अच्छी बात है। अगर आप पैसों के लिए भी आना चाहते हैं तो आए, क्योंकि इसमें आपकी मतलब जो ख्वाहिश है ना वो कम नहीं होती ज़्यादा हो जाती है। सही है, शौक है बिल्कुल आ सकते हैं। तो यही मैं कहूँगा कि अगर आप किसी भी चीज़ के लिए आ रहे हो तो बेशक आ जाओ। सही, मसले बहुत होंगे, डिफ़िकल्टीज़ आपको बहुत ज़्यादा फेस करनी होगी, कोई आपको प्रमोट नहीं करेगा। सही, सोशल मीडिया पे ये बहुत चल रहा है कि यार मैं गरीबों के लिए निकला हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों की मदद, सारा ऐसे फजूल में बकवास है। सही है, कोई किसी की मदद नहीं करता। सही है ना, मैं ये बता रहा हूँ, आप जितनी भी बड़ी यूट्यूबर्स हैं वो कह रहे हैं कि मैं आप लोगों की मदद कर रहा हूँ, आप उसे कह देना कि यार मेरे लिए ये चैनल प्रमोट कर ले या मेरे लिए ये चैनल उस स्टेज तक पहुँचाए जिस स्टेज पर आज आपका चैनल है, कोई नहीं करेगा। सही है, तो इससे आप जहन से निकाल ले कि मैं आऊँगा, हमजा मुझे प्रमोट करेगा, बलाना मुझे प्रमोट करेगा। अच्छा एक बात बता रहा हूँ, सबको आप कह दे, जितने भी बड़े यूट्यूबर हैं आप उससे कह दे यार कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए, आप मुझे प्रमोट कर ले या मेरे लिए ये कर ले वो कर ले। अच्छी बात है कि आप कह ले, क्योंकि उसकी वजह कह दे कि अगर आप किसी हाई स्टेज पर पहुँच गई तो मतलब आपको एक मतलब वो होगा ना, एक दिल की वो सुकून होगा कि यार मैंने कल उसको कहा था और आज इसके बगैर मैंने अपने आप को यहाँ देखा, तो मतलब बड़ी बात है ना आपके लिए भी उसके लिए भी, मतलब वो सोचेगा कि यार ये किस तरह पहुँच गया ना, तो बहुत अच्छी बात है। जितने बड़े यूट्यूबर हैं आप उनसे कह दें कि यार मुझे प्रमोट कर ले, वो करेगा नहीं, अपनी बात दिल में रखना। सही है, तो ये भी एक अच्छी बात है, मैं रिकमेंड कर लूँगा जितने भी नए यूट्यूबर्स हैं आप कह दें यार, बड़े यूट्यूबर से कह दें कि मुझे प्रमोट कर, नहीं करेगा सच बता रहा हूँ, कोई भी नहीं करेगा, लेकिन आप कह दें। सही है, अच्छा जी, अब अगर यहाँ पे मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, तो देखिए अगर कोई सेलिब्रिटी YouTube पे आना चाहता है तो कोई मसला नहीं, वो आ सकता है, क्यों यार वो सेलिब्रिटी है। सही है, अगर कोई मिडिल क्लास लड़का या कोई आम सा बंदा YouTube पे आना चाहता है तो सबसे पहले अपने दोस्त को कहेंगे यार ये तुम क्या कर रहे हो, किस चीज़ पे पढ़ गए हो या ये बला बला, मुख्तलिफ उसके ऊपर मतलब तनकीद होगा, क्वेश्चन पूछ जाएंगे कि तुम क्यों आ रहे हो या
आपको किस चीज़ की ज़रूरत थी कि आप यहाँ पे आ गए। देखिए हर एक चीज़ के लिए, हर एक चीज़ पे आने के लिए या किसी भी चीज़ को स्टार्ट करने के लिए ये ज़रूरी नहीं कि आपको मतलब उसका कोई टोस्ट सबूत हो, कि मतलब उसका ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं है पैसों के लिए, नहीं आपके पास ये नहीं है इसके लिए नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंसान की दिल की अपनी ख्वाहिश होती है कि यार मैं ये करना चाहता हूँ, सही है। तो ये है सूरत हाल। अच्छा माइक कैम में भी है लेकिन मैं ये इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसका वॉइस जो है थोड़ा क्लियर होगा, सही। तो ये कुछ मसले हैं और भी बहुत से मसले हैं, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ उसको डिस्कस भी करेंगे, आपको अपना ओपिनियन भी दूंगा। देखिए अच्छा मैं एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, मैं यूट्यूब पे आया ना, मैंने 2016 से लेकर अब तक क्या सीखा, देखिए मैं वो सब कुछ आपको अभी 2-3 मिनट्स में बता दूंगा। देखिए मैंने ये सीखा कि आप अगर किसी के साथ डिस्कशन करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं यूट्यूब के बारे में, तो उसके लिए ज़रूरी है कि जो आपकी बात सुन रहा हो वो यूट्यूबर है, सही है। मैं आपको अगर नए यूट्यूबर से आप आना चाहते तो अगर आप किसी ऐसे शख्स के साथ बात करते हैं जो यूट्यूबर ही ना हो और यूट्यूब की पॉलिसी और अर्निंग हाउस के बात बारे में बात करें तो आप गलत कर रहे हैं, सही है। आप ये ना करें, डिस्कशन उनके साथ करें। देखिए हर फील्ड का एक अपना मतलब इंसान होता है ना, हर एक फील्ड का एक, देखिए जैसे कि अगर डॉक्टर हैं, मैं सिंपल ये एग्जांपल दूंगा कि अगर डॉक्टर है तो डॉक्टर डॉक्टर की बात समझेगा, सही है। डॉक्टर इंजीनियर की आपस में बैठकर अगर इंजीनियर अपनी बातें करे डॉक्टर अपनी बातें करे तो उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, सही है। तो अगर आप यूट्यूबर है तो आपकी बात कौन समझेगा, देखिए एक यूट्यूबर ही आपकी बात समझेगा, सही है। ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने आपको बता दी कि अगर यूट्यूबर है आप तो यूट्यूबर के साथ अपनी डिस्कशन करें, वरना अगर दूसरों लोगों के साथ करोगे तो वो हमेशा ये कहेगा यार ये पागल है, लोग कहाँ पहुँच गए, ये बला बला बहुत सी चीज़ें होंगी फिर, मतलब आपके लिए मसले होंगे। तो अगर आप यूट्यूबर नहीं हैं, आप यूट्यूबर है सॉरी अगर आप यूट्यूबर हैं तो आप किसी यूट्यूबर के साथ अपनी डिस्कशन करें, सही है। मेरा एक दोस्त है जो ख़ुद बहुत अच्छी वीडियोस बनाता है, बहुत फौरी करता है यार, मेहनत करता है, मैं हमेशा मेरी डिस्कशन उन्हीं के साथ होती है और किसी के साथ नहीं, सही है। और क्या चीज़ें हैं जो मुझे बतानी चाहिए आप लोगों को, देखिए अच्छा एक और चीज़, देखिए शाहिद अफरीदी यूट्यूब पे आ गया, यार किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी ने कोई वीडियो नहीं बनाई कि शाहिद अफरीदी यूट्यूब पे क्यों आया, सही है। मैं आपको वजह बता रहा हूँ ना कि आप भी आ सकते हैं, आप भी आ जाए। शाहिद अफरीदी का काम क्या था, उसने शुरू क्या किया, यार तुम एक क्रिकेटर हो, तुम्हें चाहिए था कि तुम जो नया जनरेशन है आप उसको क्रिकेट सिखा सको, यंग जनरेशन को क्रिकेट सिखा सको, यंग जनरेशन को बॉलिंग करने का तरीका आप कुछ टिप्स दे दो कि आपको ये स्टेप लेकर आप आगे जा सकते हैं, आपका बाल बहुत चीज़ें आप क्रिकेट के ज़रिए आप मतलब क्रिकेट की चीज़ें आपको बतानी चाहिए, सही है। अब वो क्या कर रहा है, सही है, काम अच्छा कर रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत है, लेकिन उसका काम नहीं है, सही है। अपने वीडियो में कभी हम जैसे लोगों को अपना घर दिखा रहा है, कभी क्या दिखा रहा है, कभी ये दिखा रहा है कि ये बैट मैंने यहाँ से लिया था, जब फलाना मैच किया मैंने 50 रन इससे बनाए थे फाइनल में, ये सब कुछ वो कर रहा है ना जो उसका काम नहीं है। मैं यही कहूँगा अगर वो मेरे वीडियो शायद देख ले, कोई पता नहीं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर आपकी मदद हो शायद ये वीडियो वो भी देख ले, अगर आप शेयर करें, सही है, लेकिन उसका काम ये नहीं है। अच्छा शुएब अख्तर फास्ट बॉलर था, यार उसका काम भी ये नहीं था, वो आ रहा है अभी कभी क्या कह रहा है, कभी क्या, यार तुम यंग जनरेशन के लिए कि ऐसी एकेडमी बनाओ, शायद आपने बनाई भी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन आप जो वीडियो बना रहे हो यूट्यूब पे डाल रहे हो तो मेरे ख्याल से ये कुछ अच्छी वीडियोज़ नहीं है, सही वीडियोज़ नहीं है। मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूँ, सही, आगे आप लोगों की मर्ज़ी, आपका चैनल आपकी मर्ज़ी, मैं इसमें क्या कहूँ, सही। लेकिन अगर कोई यूट्यूबर आना कोई सेलिब्रिटी आना चाहता है तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर कोई आम सा बंदा आ रहा है तो उनके लिए मतलब तनकीद मसले मसाइल जो मुझे मेरे ख्याल से किसी को भी नहीं करनी चाहिए, सही है। यार सोशल मीडिया पे बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो बताने की नहीं होती है, जिसको मैं यहाँ पे स्किप भी कर लूँगा, सही है, मैं नहीं बताऊँगा। अच्छा मैं नहीं बताऊँगा, सही, मैं नहीं बताऊँगा, बताने की नहीं होती ना, अगर आप बताएंगे तो कल आपके लिए बहुत ज़्यादा मसले होंगे, आज नहीं कल, आज की बात मैं नहीं कर रहा, आपने बता दी, आप रैंक आप व्यूज़ ले सकते हो इस पर,
लेकिन कल आपके लिए जो मसले होंगे शायद वो आप बर्दाश्त ना कर सके, ज़्यादा होंगे आपके लिए, मतलब यूट्यूब करना फिर मुश्किल हो जाता है, तो उस चीज़ में मैं नहीं पढ़ना चाहता। सही जो बातें मैंने की शायद बहुत से लोगों को ये समझ भी आए, शायद बहुत से लोग इस पर वो कर ले कि यार हमज़ा नहीं इस तरह इस तरह। मैं मानता हूँ आपकी अपनी राय है, मेरी अपनी राय है, आपका अपना सोच है, मेरा अपना सोच है, इसमें मैं कोई वो नहीं करा। सही है, लेकिन अगर आयन में मैं यही बताऊँगा, अगर आप आना चाहते हैं तो आ जाइए, मैं रिकमेंड कर रहा हूँ यार आप आ जाइए, टेंशन ना ले, कोई मुश्किल काम नहीं, अगर आप कुछ तो करेंगे ना यार, कुछ तो कर सकेंगे आप, आप आ जाइए, हम भी आपका वेट करेंगे। देखिए कोई इंसान पूरा नहीं होता, सही है, ज़िंदगी हमेशा एक मौका देती है। सही है, देखिए आज आपके पास मौका है, अगर ये दिन गुजर गए ना तो सीरियसली अगर फिर बाद में आप खुद ही को वो करोगे कि यार काश मैंने स्टेप लिया होता, मेरे पास ये चीज़ था, काश मुझे ये करना चाहिए था ना। तो खैर यही बात हुई कि अगर आना चाहता है तो बेशक आ सकता है, मैं अपने दोस्त को भी ये कहूँगा अगर आना चाहते हो तो, यार मैंने आपके लिए वीडियो भी बना ली, शायद ये मसले ना सिर्फ मुझे बहुत से लोगों को, ना सिर्फ उनको बल्कि बहुत से लोगों को, तो मैं यही कहूँगा कि यार आप आ जाए। सही है, अच्छा एक और चीज़ जी, ज़्यादातर लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि यार मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ अपनी व्यूवर्स के लिए ताकि आप लोगों को फ़ायदा हो। देखिए मैं ये कमिटमेंट कर रहा हूँ कि यहाँ पर कोई ऐसा इंसान नहीं जो कह रहा है कि मैं अपनी व्यूवर्स के लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ कि उसको कोई हेल्प मिल सके, ये मैं नहीं मानता। होंगे शायद होंगे लेकिन बहुत कम, सही है, तकरीबन 5% 10% होंगे शायद, इससे ज़्यादा नहीं। सही है, तो यही बात हुई कि वजह क्या है। देखिए ज़्यादातर मैंने इससे पहले भी ये बात की कि लोग कह रहे हैं कि मैं गरीब के लिए आया हूँ, मैं आप लोगों के लिए आया हूँ, लेकिन वो असल में आपके लिए या मेरे लिए नहीं आया, वो अपने लिए आया है, अपनी वीडियोज़ को मतलब ला रहा है, अपने आप को प्रमोट कर रहा है, अपनी अर्निंग कर रहा है, तो उसका कोई वो नहीं कि वो कह रहा है कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं आपके लिए कर रहा हूँ, किसी के लिए नहीं, वो अपने लिए कर रहा है। सही है, अगर कोई यूट्यूबर कह रहा है कि नहीं मैं इनके लिए कर रहा हूँ तो वो क्यों ना किसी के चैनल को प्रमोट नहीं करता। सही है, अगर आप किसी बड़े यूट्यूबर से बात करो कि यार आप हमारे लिए आए हैं, मेरा एक काम कर ले, मेरा चैनल प्रमोट कर ले, वो आपको सीधे से कहेगा कि नहीं मैं ये नहीं करूँगा। सही है, अब उसकी वजह क्या है मुझे अभी तक नहीं पता, मैं अभी तक मालूम ना कर सका कि क्यों वजह क्या है, या हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो कि मैं आपके लिए आया हूँ, आपके लिए हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे हो। सही है, तो यही कहूँगा, अब बहुत से लोग हैं जिसको मैंने बहुत ज़्यादा नज़दीक से भी देखा है, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हुआ है इस चीज़ में, तो अगर इंशाल्लाह मौका मिला तो इसको भी डिस्कस करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और वीडियो को लाजमी शेयर करें कि जितने बड़े सेलिब्रिटीज़ का नाम मैंने लिया है एटलीस्ट उन तक पहुँच जाए, उन तक पहुँच जाए। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपनी राय का कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।